हे गाइस, कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग। आज इवनिंग से एक कैमरा पकड़ी, हेल्पर ने काम बन सब कर दिया, किचन विचन साफ कर लिया, तो अब कॉफ़ी खाने के मन कर रहा है। लोग नहाने के बाद चाय कॉफ़ी पीते हैं, मैं तो नहाने के पहले आज पीने जा रही हूँ। पी के फिर जाऊंगी नहाने, तो आज बाहर भी जाना है। एक चीज़ दिखाऊंगा आप लोगों को, आज घर में नया मेंबर देखोगे आप लोग। कौन है ये नया मेंबर, अगर जानना चाहते हो और देखना चाहते हो तो मेरे वीडियो की एंड तक ज़रूर रहना। और क्या बताओ, मेरी हेल्पर आंटी चेंज हो गई, तो उनके साथ दिखना पड़ रहा है, ये करो वो करो। नया जो लोग होते हैं ना, तो कुछ पता नहीं रहता। तो बाहर कितना धूप है, फिर भी कॉफ़ी पी रही हूँ, क्योंकि सुबह मैंने चाय नहीं पी। आजकल थोड़ा स्किप कर रही हूँ चाय, वॉक करके आके गर्म पानी नींबू पानी पीती हूँ। यार मेरा 5 kg वेट बढ़ गया, पता नहीं क्यों। तो सोचा ये सब छोड़ दूँगी, मीठा और ऑयली फूड्स, देखते हैं कितना कर पाते हैं। 2-3 लोग हैं यार, थोड़ा सा पकाओ तो फिनिश करना पड़ता है, तो इसकी वजह से खाना पड़ता है। फिर मैं सोची मैं कुछ भी हो जाए फेंक दूँगी, मगर खाऊँगी नहीं। अच्छा, एक दिन में एक बार कॉफ़ी तो चलता है, तो मैं पतला करके कॉफ़ी बनाया। क्या होता है, वो नींद की जो वो एक होता है ना, वो जा नहीं रहा है। अब मैं नहाऊंगी, नहा के बाहर जाऊंगी, तो कॉफ़ी पीने के बाद ये सबसे झंझट की काम है। किचन साफ़ हो गया, फिर भी एक दो बर्तन होते हैं ना, ये मुझे बड़ा दिक्कत देता है। ज़्यादा बर्तन हो तो एक साथ साफ़ किया जा सकता है, एक दो बर्तन बिल्कुल, मतलब क्या बताऊँ। ये हो गया मेरा घर की क्लीनिंग, मैं आके बर्तन जगह में लगाऊंगी, सुखाने देती हूँ पहले। तो काफ़ी दिनों से मेरा मन हो रहा था, ये मेरा न्यू मेंबर घर में थे पहले, फिर चले गए, अब मैं सोच रही हूँ फिर से लाऊंगी। तो 2-3 जगह ढूंढने के बाद मेरा ये फेवरेट वाला गोल्ड फिश नहीं मिला। तो ये है, मेरे घर के मेंबर आए गए आज, तो गोल्ड फिश नहीं मिला। तो मैं सोच रही हूँ आज जैसे तैसे करके लेके जाना ही है, कि ये सब अकेला निकलो तो ही ला सकती हूँ। तो मेरी हस्बैंड को ये छोटी छोटी चीज़ें ना, गाड़ी बंद करके लेना या फिर ये सब चीज़, मतलब कि छोटी छोटी दिक्कतें, बड़ा काम जैसे पानी चेंज करना, हम लोग खाना देना, ये सब वो बड़ा ना आना चाहिए मेरे लिए। तो ये शाम की चाय है, चाय के साथ आज ना एक पराठा, मैं लच्छा पराठा बना रही हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को आज एयरपोर्ट जाना है। मेरे इन लॉज मुंबई से आ रहे हैं, आज बड़ा वॉट टाइम है फ्लाइट का, तो इसलिए ना ही डिनर कर सकते और ना ही चाय पी के बिस्किट पी के बिस्किट खा के जा सकते। तो मैंने सोचा एक पराठा चाय खा के जाओ, आके फिर डिनर कर सकते हो, करो तो कर सकते हो। तो इसलिए मैं एक बड़ा सा एक पराठा बना रही हूँ। इस पराठा की रेसिपी अगर चाहिए तो, कैसे मैंने क्या क्या डाल के बनाया, अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, और क्या बोल बोल सकते हो क्या मिलाया वो तो अलग से बात है। लच्छा पराठा कैसे बनाते हैं, वो मिडिल में एक काट करके जैसे मैंने घुमाया ऐसे घुमा और फिर से राउंड करके इसके, तो वो होता है एक 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 पतला पतला परत होता है, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और बीच में जो पराठा के ऊपर अंदर घी बटर या घी जो भी हो लगा दो,
तो एक के बाद एक एक करके निकल के आता है। खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, चाय के साथ तो बढ़िया लगता है, परोठा मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। और चाय परोठा खा के जाए फिर रात आके देखते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग मैंने नींबू पानी पिया, आप लोगों ने देखा ये क्यूब नींबू का है, मैंने स्टोर करके रखा था। तो मेरे हस्बैंड को चाय दे रही हूँ, ब्रेड और चाय, मैं अब कुछ नहीं पीऊँगी। तो ये पम्पलेट मांग फिश है, ये बॉम्बे से आया, ओरिजिनल समंदर की है। तो अनियन लगा के तो स्पाइसी करके फ्राई करूँगी। मैंने फ्रिज से मैंने चिकन क्या फिश निकाला था, तो फिर वापस रख दिया क्योंकि ये पहले ख़त्म कर लेती हूँ। तो ये था मेरा छोटा सा एक डे शेयरिंग आप लोगों के साथ। अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करके जाना और सब्सक्राइब करके मेरे साथ में बने रहना। तब तक के लिए मेरे साथ दुआ करते रहना। Stay safe, stay healthy, stay connected. Allah Hafiz.